प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम प्रखंड चान्हो रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची जिले के 18 प्रखंडों में से एक है चान्हो प्रखंड। ये रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम भाग में स्थित है। चान्हो प्रखंड में ही सन 1830 के कोल विद्रोह के नायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की जन्मस्थली सिलागाई स्थित है। अतः इस प्रखंड की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक पहचान भी है। झारखंड को प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया सवारा है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। चान्हो प्रखंड की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाती है कल कल करती सालों भर प्रवाहमान रहने वाली कोयल नदी। चान्हो प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 661 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 300 पूर्ण कर लिए गए हैं, वह भी एक रिकॉर्ड समय में। चान्हो प्रखंड में कुल 17 पंचायत हैं। इन्हीं में एक पंचायत है ताला पंचायत, जो प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ताला राजस्व ग्राम में एक टोली है, खुरा टोली। लगभग 40 परिवारों का यह टोली, जिसमें आदिवासी परिवारों की बहुलता है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन एवं वनोत्पाद है। इस गांव के लोग बताते हैं कि आजादी के बाद एक भी आवास योजना यहां नसीब नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस टोली में 12 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का सौगात सरकार के द्वारा दिया गया, जहां राशि सीधे उसके बैंक खाते में आनी है। सरकारी कर्मी स्वयं इनके घर आकर आवश्यक कागजात ले गए। न प्रखंड न पंचायत, कहीं दौड़ नहीं लगानी पड़ी। यहाँ के लोगों ने बड़े लगन से घर बनवाना शुरू किया और रिकॉर्ड समय में 12 में से 10 आवास शौचालय के साथ पूर्ण कर लिए गए। शेष तो आवास बैंक की तकनीकी समस्या के कारण पिछड़ गई, लेकिन ये समस्या दूर कर दी गई है और उनमें भी काम अब प्रगति में है और अगले 15 दिनों में 100% आवास पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस छोटे से टोले का निवासी है रामजीत गो, जिसने अपना पक्का मकान बनाकर काफी खुश है। उनकी खुशी उसी के शब्दों में देखा एवं सुना जा सकता है। हमार रामजीत गोप नाम है के ये फसल घर में रहत रही, पहले खपरा घर में बहुत चुहत रहे। अब सरकार दिल है ये घर के बनवा ली और ये माछ हुआ रहत थी। उकर बाद में कि पानी आवत रहे तो ले जात रहे, कभी मंगरा घर है सुता छुआ मन के, कभी बुधवा घर ले जात रही। अब ऐसा होला कि एखन सब सरकार दिल घर इकरे में रहत थी माछ हुआ, और उकरो घर बहुत कम जगह रहे लेकिन देवत रहे बढ़िया से सुते ले ठाँव। अब उको अगर दिक्कत हुई तो ये लाइन के हमें रखा ठाट से सुता। इसी राजस्व गांव के अंबर टोली की एक लाभुक है सोमरी उराव, जिसके पति की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, तो उसके भाई ने उसे आश्रय दिया और एक कमरे के गुहाल नुमा कच्चे घर में रहकर मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करती थी। उसे जब पता चला कि उसे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास का सौगात मिला है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वह काफी खुश है, उसकी खुशी उसके शब्दों में सुना जा सकता है। सुमरी उरा है, ताला पंचायत अंबाटाड़ में रहती हूँ। 5 साल पहले मेरा पति डेथ हो चुका है। उस टाइम हमको बहुत दिक्कत हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत झेले थे। और अब अपने मजदूर कमा के खाती थी रहती थी। बाकी बात हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि मेरा बिल्डिंग घर हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ से मेरा पक्का घर हो गया। शौचालय साथ में मिला है, घर बन रहा था उस समय। वीडियो साहब, VLW साहब सब आके हमको समझा रहा था कि ऐसा बनाना है, वैसा करना है कह के। और मेरा भैया जो है वो भी मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया, इसलिए मैं इतना बड़ा घर बना पाई।
और अब मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। प्रखंड विकास पदाधिकारी चान्हो। चान्हो प्रखंड की पूरी टीम मुखिया, जनसेवक, पंचायत स्वयंसेवकों के संयुक्त प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित समय में पूरे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। चान्हो प्रखंड में वित्तीय वर्ष 16-17 में 661 लाभुकों को आवास मिला है, जिसमें 390 लाभुकों का घरों की ढलाई हो चुकी है, 292 घर पूर्ण कर लिए गए हैं। आवास विहीन एवं एक कमरे दो कमरे के लोगों के चेहरे में मुस्कान लाने को हम तत्पर हैं। हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र के अधिकतम चेहरों में मुस्कान लाएं एवं क्षेत्र खुशहाल हो। इस समय सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। घर तो बन गया, अब नए घर में प्रवेश करना है तो एक अनुष्ठान, ताकि उसके घर में खुशियां चिरस्थाई रहे, उनकी नित्य तरक्की एवं उन्नति हो, यह अनुष्ठान है गृह प्रवेश। झारखंड सरकार ने इस अनुष्ठान की तिथि तय की है 11 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य। चान्हो प्रखंड प्रशासन ने इस कार्यक्रम हेतु ताला पंचायत को चयनित किया तो इस पंचायत के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। गांव वाले एवं पंचायत के कर्मठ मुखिया, जनसेवक एवं पंचायत स्वयं सेवकों सभी के सहयोग से खूब तैयारियां की गई। इस कार्यक्रम में पूरे प्रखंड के 101 लाभुकों का सामूहिक गृह प्रवेश कराने का निर्णय लिया गया। पारंपरिक तरीके से गृह प्रवेश कार्यक्रम तय किया गया। सभी समुदायों के धार्मिक भावना का ख्याल रखा गया। हिंदुओं के कलश में लाल रंग के स्वास्तिक, आम के पल्लव एवं धान की बालियां एवं नारियल में मोली धागे लपेटकर सजाया गया। वहीं मुस्लिम भाइयों के कलश में हरे रंग से 786 लिखा गया। अपराह्न 1 बजे गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक श्रीमती गंगोत्री कुजूर एवं अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों के शुभ कर कमलों से शुरू हुआ। गांव में मुख्य अतिथि के आगमन पर उन्हें पारंपरिक तरीके से गांव के सखी मंडल की दीदियों के द्वारा लोटा पानी से स्वागत किया गया। आम के पल्लव से पानी छिड़काव किया गया, फूल एवं अरवा चावल से परछावन किया गया। ढोल, नगाड़े एवं मांदर के थाप, लोकगीत एवं लोक नृत्य से स्वागत कर उन्हें मंच तक लाया गया। सभी 101 लाभुकों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। अपने विधायक एवं क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल पाकर काफी खुश थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी चान्हो प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में कार्यक्रम में संचालन किया जाने लगा। अस्तु माँ सद्गमय, तमसु माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। भारतीय संस्कृति में शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ इस आशा से होती है कि ईश्वर हमें अज्ञानता से सत्य की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। कार्यक्रम के प्रारंभ में उन सभी लोगों जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य 90% या 100% प्राप्त किया था, उन पंचायतों के मुखिया, जनसेवक एवं पंचायत स्वयंसेवकों के सम्मान की बारी थी, जिन्होंने कड़ी मेहनत से लक्ष्य प्राप्त किया था। उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो दिया गया ताकि उनका मनोबल बढ़े एवं अन्य भी उनका अनुकरण करें। अब शुभ मुहूर्त आ गया, गृह प्रवेश की घड़ी आ गई। माननीय विधायक मांडर श्रीमती गंगोत्री कुजूर 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि पूजन स्थल पर पहुंच गए। वेदज्ञ ब्राह्मण के मंत्रोच्चार से पूजन विधान शुरू हुआ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः, निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। धूप दीप नैवेद्य से पूजन हुआ एवं आरती भी हुई। ब्राह्मण ने चिरकाल तक सुख समृद्धि बनी रहे एवं क्षेत्र में खुशहाली एवं तरक्की के लिए मंगल कामना किया।
आदिवासी सरना समुदाय के लिए पहान ने भी पारंपरिक रीति से पूजन किया। सरना मास से नए घरों में सुख समृद्धि एवं उन्नति की कामना किया। पूरे क्षेत्र में खुशहाली का मंगल कामना के साथ उनका पूजन पूर्ण हुआ। मुस्लिम भाइयों के रीति के लिए मौलाना को बुलाया गया था। उन्होंने भी कुरान पाक की आयतें पढ़ी, तकरीर किया। उन्होंने भी सभी लोगों के बरकत की दुआ अल्लाह ताला से मांगी। इसके बाद सभी लाभुकों को कलश, नारियल एवं मिठाई के पैकेट दिए गए। सभी लाभुकों को विधायक महोदया के द्वारा आशीर्वचन दिया गया। सभी लाभुक अपने अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे ताकि वे अपने सपनों के महल में प्रवेश कर सके। मुख्य कार्यक्रम स्थल में कार्यक्रम के पश्चात सभी अतिथिगण अम्बाटार सुमरी उराव के घर पहुंचे। सभी अतिथि सुमरी के नए चमचमाते घर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इतना सुंदर घर, पक्का मकान, वो भी शौचालय युक्त। सुमरी की खुशी तब दोगुनी हो गई जब उसने अपने आंगन में विधायक श्रीमती गंगोत्री कुचूर, बीडीओ, मुखिया एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों को देखा। माननीय विधायक ने उसके घर का फीता काटकर गृह प्रवेश किया, उसके घर कमरों का मुआयना किया। सुमरी काफी खुश थी, दौड़कर मिठाई का डब्बा लाई, खुद विधायक महोदया को खिलाया। विधायक ने भी सुमरी को मिठाई खिलाई। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। आज ऐसी ही खुशी प्रखंड के 300 से अधिक घरों में हो रही है, जहां जहां आज गृह प्रवेश हो रहा है। ईश्वर से दुआ है कि ऐसी खुशी हमेशा बरकरार रहे तथा सभी के चेहरों पे मुस्कान बनी रहे। धन्यवाद।